आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाचंद की सब्जी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो हम बनाते हैं सोयाचंद की सब्जी। सोयाचंद ले लिए हैं, ये सूखे हुए हैं। अब हम इसको, हमने यहाँ पे गर्म पानी रख दिया है, हम उसको डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए ये इसको। अब हम इसको छान लेंगे। हमने इसको छान लिया, ठंडा कर लिया। अब हम एक इस जार में इसको डाल देंगे। हमने जार में डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा धनिया, हरी मिर्च और ये छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई अदरक। अब हम इसको पीस लेंगे, लेकिन इसको दरदरा पीसना है, मोटा। देखिए मैंने पीस लिया है। अब इसको हम इस बाउल में निकाल लेंगे और आधे हमने यहाँ पे रख लिए हैं। इनको मैंने 2 हिस्सों में काट कर लिया है। एक कढ़ाई में तेल ले लिया है हमने 2 बड़े चम्मच। अब ये गर्म हो गया, इसमें हम डाल देंगे जीरा, थोड़ी सी हींग, क्रश की हुई अजवाइन, अब हम डालेंगे 2 कटी हुई काली प्याज, इनको अच्छे से भून लेंगे। तीन से 4 मिनट लगेंगे इनको अच्छे से भूनने में। हमारे प्याज अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसमें 2 टमाटर मैंने पीस लिए थे, अब इनको डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इस मसाले को 3 से 4 मिनट तक इसको भी अच्छे से भूनना है, जब तक इसके ऊपर तेल नहीं आ जाता। देखिए हमारा मसाला भून चुका है, इसके ऊपर अच्छे से तेल आ गया है। अब हम इसमें जो हमने पीसे थे ना सोए, वो डालेंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे। हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। अब हम इसमें अपनी ये सारी ये डाल देंगे सारा, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको 5 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। पाँच मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। मिक्स कर देंगे।
अब हमारी सब्जी बन चुकी है। गरम मसाला डाला है इसलिए हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और गैस को बंद कर देते हैं। अब तो हमारी सब्जी बन चुकी है। सब्जी देखो कितनी अच्छी बनी। अब हम इसमें डाल लेते हैं सब्जी को। आप ये सब्जी चाहो तो रोटी, पूरी, चावल, आपका जिसके साथ मन करे खाने का उसके साथ आप खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट लगती है सब्जी। हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, देखो।